लग रहा है तो कोई ट्रैप्सिल निगल लो और सुखा, ऐसे करके मनमर्जी का दवाई खिलाना, उसमें तो बीमारी ठीक नहीं होगा, बीमारी ठीक नहीं होगा। तो सबसे पहले आप अपने कुंडली को एनालिसिस करके देखो कि समस्या कहाँ है। सबसे पहला समस्या ये है कि सारे प्लैनेट राहु और केतु के अंदर बैठे हैं, ठीक है। जब राहु केतु के अंदर सारे प्लैनेट बैठते हैं तो क्या रोग लगता है, क्या बोलते हैं इसको, कुछ आइडिया है आपको? हाँ, इसको बोलते हैं काल सर्प दोष, ठीक है। और अगर केतु और राहु के अंदर बैठते हैं तो बोलते हैं विपरीत काल सर्प दोष, ठीक है। इसमें देखो ये खराब है, इसके लिए डरा नहीं रहा हूँ कि कोई खराब है बोल के, है ना। लेकिन जब ये आदमी का 48 ईयर पार होता है तो कभी कभार ये लोग एग्रावेट रोग देते हैं, समस्या करते हैं ज़िंदगी में। और इसके लिए बहुत सारे स्पेशली कन्या राशि, और जब राहु और केतु में राशि ही आ जाए तो मन में भय आना, एग्रावेट होना, अच्छा नहीं लग रहा है कहीं से ऐसा भावना बनना, और कभी कभी सडन गुस्सा हो गए, कभी कभी सडन ठंडा हो गए, पड़े हैं एकदम सांप के जैसे, काम करने का इच्छा नहीं है, थकावट सा लगा है, आलसी और सांप जैसे मंडरी मार के पड़े हैं। लेकिन जब काम का टाइम आ जाए तो दौड़ दौड़ के सारा काम निपटा दो, और जब पड़े हो तो आलसी राज बन के पड़े रहो। मेंटली आदमी को समझ में नहीं आता है कि क्या सही क्या गलत, कभी कभार अपने गलती से अपना ही विनाश कर देना, उसको बोलते हैं सेल्फ डिस्ट्रक्शन। जैसे कोई सांप होता है ना, अपने को खाते खाते ख़त्म कर देता है। चित्र है यूट्यूब में, वीडियो में, क्रोम में देखोगे तो देखना कि सांप कैसे अपने को निगल के खाता है, ठीक है। जब बहुत भूख लगता है तो अपने पूंछ की तरफ से निगलते 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 ख़त्म कर देता है अपने को। तो ये कालसर्प दोष का कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट रहते हैं, लेकिन कालसर्प दोष केवल खराब है ऐसा नहीं कहा जा सकता। इंदिरा जी का था, तेंदुलकर का था, और भी ऐश्वर्या राय का है, तो बहुत टॉप करते हैं, ऐसा बात नहीं है। लेकिन जब फॉर्म खराब होता है तो तेंदुलकर जैसे जीरो में भी आउट होते हैं, फिर फॉर्म जब आता है तो सेंचुरी मार के डबल सेंचुरी मारते हैं, ठीक है। तो ये अप एंड डाउन इनके लाइफ में रहने का थोड़ा सा स्वाभाविक दिखाई देता है एज ए कालसर्प दोष, ठीक है। और इसमें जब तक आप इसको शांति नहीं कराते हो, एक बात बताओ, आज तक कोई बोला है कि आपके कुंडली में कालसर्प है या विपरीत कालसर्प है बोल के? आज तक आप जानते, अगर बोले थे तो उसका रेमेडी किए हैं क्या आज तक? जो उसका शांति कराना चाहिए था उसको कराए हैं क्या? नहीं कराए हैं। जब अब नहीं कराए हैं तो वो बीमारी जितना पुराना चलेगा उतना ज़्यादा घना बनेगा या नहीं बनेगा? बनेगा ना उतना घना, ठीक है। अच्छा, आपके कुंडली में दूसरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? द्वादश का चंद्रमा केमद्रुम में पड़ा हुआ है। कभी बोला है कोई आपको आपका द्वादश चंद्रमा केमद्रुम में है बोल के? नहीं है। जब इतने लोगों को दिखाए हैं और आपको आज तक कोई ये नहीं बोला कि आपका द्वादश का चंद्रमा केमद्रुम में राहु के साथ अकेले बैठा, आगे कोई प्लैनेट नहीं है, पीछे कोई प्लैनेट नहीं है, आगे कोई नहीं पीछे कोई नहीं, और चंद्रमा अकेले द्वादश में बैठता है तो केमद्रुम लगता है, अगर शुभ ग्रह कहीं पर दिखे तो आपको सुरक्षा मिल जाता है, ठीक है। लेकिन जब दोनों ही एक्सिस शुभ ग्रह और द्वादश, जब ये पाप ग्रह यानी राहु केतु के एक्सिस में पड़ गए, अकेले पड़ गए, आगे पीछे कोई नहीं है, तो ऐसे कंडीशन पे ये एक प्रकार का दरिद्र दोष बनता है, जिसको आदमी को ज़िंदगी में अकेले कर देता है। आप जैसे आदमी कोई बड़े पार्टी में जाएगा तो अकेले जाएगा, कहीं भी अकेले चले जाओ, अकेले बैठने में मज़ा आता है, दोस्त इतना जल्दी इनके लाइफ में होते नहीं हैं। इस प्रकार का भी कंडीशन होगा, ऐसा नहीं कह रहा हूँ, होता है, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन पे ज़िंदगी का बुढ़ापे के समय आदमी को बहुत एकांत अनुभव करवाता है, अकेले करके रख देता है, एलोननेस। तो ये दोष है, लेकिन ये पूर्ण दोष आपको कष्ट देगा ऐसा नहीं कह रहा हूँ, ठीक है। तो ये कंडीशन आपका, ये दो सबसे बड़ा आपके कुंडली में समस्या जनित है, और जब तक इनका थोड़ा सा निवारण आप नहीं कर दो, ये नहीं कह रहा हूँ कि कोई घना कष्ट होगा,
अब तक मेडिसिन का चैम्बर खुले हो, इतना बड़ा दुकान खोल के आगे बढ़े हो, कोई बात नहीं है, लेकिन अभी शनि में शुक्र चलना और साथ में इस प्रकार के जो दोष का एक्टिवेशन होना गोचर के माध्यम से बोलो, और अभी क्या है ना, जहाँ पर जन्म समय में आपका राहु केतु थे वहीं पर राहु केतु का एक्सिस रिटर्न आने वाले हैं, तो नेचुरली वो घर ऑटोमेटिक एक्टिव होगा, क्योंकि आपके राहु केतु के ऊपर आकाश का राहु केतु आने वाले हैं अगला 2-3-4 महीना में, ठीक है। तो वो एक्टिव जब हो जाता है तो लोगों को उस प्रकार के समस्याएं आने का संभावना ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। तो ये रोगों को पहले आपको समझना पड़ेगा और उसी हिसाब में आपको निवारण करना पड़ेगा। सबसे पहले तो जो मूल रोग का कारण है उसको निवारण करना है ना। देखो, आपको बोलूँगा कि 10 प्रकार का विटामिन खा लीजिए तो ठीक हो जाएगा। विटामिन तो बॉडी रजिस्ट करके हजम करेगा तो ना काम देगा। अब पहले तो पेट का अग्नि को बढ़ाना है, अग्नि मान दिया हो गया है, पेट में फायर ही नहीं है, जो खाना खिलाएंगे सब डाइल्यूट हो, मतलब बॉडी निकाल के फेंक देगा, उसको रिसीव नहीं कर पाएगा, है कि नहीं। तो सबसे पहले कि पेट का अग्नि को तेज करो, तो अग्नि प्रज्वलन करना है, तभी जो भी विटामिन खिलाऊंगा वो काम में आएगा। यानी कोई भी रेमेडी कराएं उससे पहले तो दोष निवारण करना, दोषों को शांति करना कि एक्चुअली मेरे कुंडली में कौन से दोष हैं और उनको कैसे शांति करना है। जब तक ये शांति नहीं होते, फिर कोई भी उन्नति प्रगति के लिए कोई भी बड़ा अनुष्ठान कर लो, आपको वो सपोर्टिव कंडीशन पे नहीं जाएगा, क्योंकि बेस में यानी आपके प्लेटफॉर्म में यानी आपके फाउंडेशन में ही प्रॉब्लम है। तो फाउंडेशन को ठीक करिए, फिर प्रॉब्लम ऑटोमेटिक सॉल्व हो जाएगा जी। नहीं, सबसे पहले क्या क्या नहीं है, देखो ये कभी कभार क्या होता है ना, एक ही काम करने से हमको 100 रिजल्ट मिल जाते हैं। तो सबसे पहले तो काल सर्प दोष निवारण करने के लिए 3 सांप और रुद्राभिषेक के साथ रुद्र यज्ञ करके, यही एक ही काम है। उसमें रुद्र यज्ञ 125,000 का मंत्र जाप और फिर 3 सांप का विसर्जन और दान, ये इतना तो पहले करा लो, बाकी काम धीरे धीरे आप करना, ठीक है।